हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम टुडे आई हैव स्टार्टेड वन फार्मूला सीरीज। इस सीरीज में हम जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स होते हैं उसे स्मार्टली एंड क्विकली कैसे तैयार करना है, कैसे मेमोराइज करना है, ये देखेंगे। बिकॉज एग्जाम टाइम हमारे पास बहुत कम है एंड देर आर सो मेनी चैप्टर्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड देर आर न्यूमरस फार्मूलाज, सो लेट्स सी। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन केस आपको कोई क्यूरीज है, कोई डाउट है, एंड इफ यू नीड एनी इम्प्रूवमेंट इन इट प्लीज़ डू कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है मास। ओके फ्रेंड्स, मास क्या होता है? मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ओके, अमाउंट ऑफ मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड इज मास। वेरी इजी थिंग। ओके, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। यूनिट है 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams। अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है? वेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। सो द फोर्स एग्जर्टेड बाई ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट। वेट हमेशा चेंज होता है, इट वेरीज ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? इट इज़ अ क्यूब ऑफ लेंथ। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड एज एरिया इन टू हाइट। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द यूनिट, वेरियस यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम। एंड ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, गैशियस स्टेट पढ़ते हैं, प्रेशर वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है। एंड यूजुअली यूनिट कन्वर्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट्स सी, 1 liter इक्वल टू 1000 ml, 1000 cm³ इज इक्वल टू 1 dm³। अब 10 cm इज इक्वल टू 1 dm एंड 1 cm³ इज इक्वल टू 1 ml। सो ये 4 कन्वर्शन आपको बाई हर्ट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फ्रेंड्स, आपने मास देखा, वॉल्यूम देखा, अब डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और जो उसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है kgs पर मीटर क्यूब। बट यूजुअली व्हाट हैपेंस, डेंसिटी हम ग्राम्स पर सीसी में देखते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर के लिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक और स्केल होता है रूमर स्केल, समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड। और केल्विन स्केल जो होता है ये एक स्टैंडर्ड स्केल माना जाता है। ओके, सो सेल्सियस का लोअर पॉइंट एंड अवर पॉइंट इज 0 degree एंड 100 degree। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 एंड 212। अब फ्रेंड्स, आपके पास एक सेल्सियस का टेम्परेचर है, सपोज 100 degree सेल्सियस, आपको से केल्विन में करना है, तो कैसे करेंगे? प्लस 273.1, देन इट विल चेंज इनटू केल्विन। एंड फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस है, उसे कैसे चेंज करेंगे? सो एफ अपॉन 9, एफ इज डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल्स टू सी माइनस 32, सी इज अ टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, अपॉन 5। नाउ फ्रेंड्स, ये इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ईजी से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सपोज मास के बारे में पूछा है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम एंड इट इज़ इक्वल टू प्लेटिनम एरिडियम स्केल प्रोटोटाइप। तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेंगे कि मास है, एंड दे विल गिव द 4 options। ओके, एंड यू हैव टू चूज कि किस स्केल से, किस एलिमेंट के स्केल में मास को कंसिडर किया गया है। सो यू हैव टू नो द प्लेटिनम एरिडियम स्केल। ठीक है, ये इस पॉइंट को याद रखना है आपको कि प्लेटिनम और इरिडियम के स्केल में मास का डिफाइन किया गया। नाउ लेंथ, लेंथ का जो ऐसा यूनिट लिया है हमने, मीटर लिया है। लेंथ क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ट्रेवल बाय द लाइट इन टाइम इक्वल्स टू 1/, अब इसे कैसे याद रखना है, 1/299/792/458 ऑफ अ सेकेंड। इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लाइट जितना लेंथ
पाथ को ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मीटर. तो लेंथ का पूछेगा तो यू हैव टू रिमेंबर दिस नंबर. ओके, और टाइम, टाइम इज डिफाइंड इन सेकेंड्स. ओके, ड्यूरेशन ऑफ हाउ मच, यहाँ पे भी 91, 92, 631, 770 पीरियड ऑफ हाइपरफाइन ट्रांजेक्शन, सॉरी ट्रांजिशन बिटवीन सीजियम 133 एटम. अगर टाइम से रिलेटेड कुछ आपसे पूछा तो या तो वो आपको इस ट्रांजिशन पीरियड के बारे में पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, विच एलिमेंट, देयर यू हैव टू टेक सीजियम 133. नाउ फ्रेंड्स टेम्परेचर पे आते हैं. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन स्केल, दैट इज 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. इट्स वेरी इजी. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर. उसमें क्या होता है कि टू कांस्टेंट करंट फ्लो होती है कब, जब आप एक हम टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर लेते हैं जिनकी लेंथ कैसी है इनफाइनाइट, और बट उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है वो नेग्लिजिबल रहता है, दे आर 1 मीटर अपार्ट. उसमें फोर्स कितना है एग्जर्ट होती है, 2×10⁻⁷ न्यूटन्स पर मीटर. सो यहाँ पे आपको ये फोर्स की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सब कुछ नहीं. ये जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं आपको सिर्फ किससे मेशर किया है, किसको स्टैंडर्ड माना है और कितनी वैल्यू है, बस वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो. नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, दैट इज 0.012 kg ऑफ कार्बन 12. नाउ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडला. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका आंसर है कैंडला. एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन मतलब कि ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितना है 540×10⁻12 हर्ट्स, और रेडियंट इंटेंसिटी इज 1/683 वॉट पर स्टेरी रेडियन. ओके, नाउ फ्रेंड्स ये तो हो गया, हमने ऐसा यूनिट की बात कर ली. अब बात करते हैं कुछ और बेसिक कन्वर्जन्स, जैसे कि मास परसेंटेज. मास परसेंट क्या होता है कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस से ए अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100. अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ बी फाइंड करना है तो मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ओके, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, नाउ अब हम आते हैं मोलैरिटी पे. मोलैरिटी इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पे लीटर लिया. ओके, अब ये याद रखना है कि जो मोलैरिटी है वॉल्यूम एंड इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सो ये क्वेश्चन अभी आया था 2017 में कि विच डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, तो देखो मोलैरिटी की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है ना. सो मोलैरिटी वॉल्यूम रिलेशनशिप इज M1V1 इक्वल्स टू M2V2. नाउ सी मोलैलिटी, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. सो मोलैलिटी जो होती है ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती है, बिकॉज मास तो टेम्परेचर से का कोई रिलेशन नहीं, मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर. अब आती है बात, दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी. देखो जब भी हम प्रिसिशन की बात करते हैं कि हाउ प्रिसाइज इज द थिंग विथ अबाउट विच वी आर टॉकिंग. ओके, हाउ प्रिसाइज इज द वैल्यू, प्रिसाइज मीन्स हाउ द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट. ओके, नाउ एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट, हाउ ट्रू इज दैट वैल्यू टू द एक्चुअल ट्रू वैल्यू इज द एक्यूरेसी. नाउ वी टॉक अबाउट स्टॉक सोल्यूशन. तो स्टॉक सोल्यूशन फ्रेंड्स उसको कहते हैं जो कि बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन का लेते हैं. हम यूजली टाइट्रेशन करते वक्त स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं. ओके, नाउ लिमिटिंग रिएजेंट, एनी रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट एंड इट इज कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम ऑफ द आफ्टर द प्रोसीडिंग स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड आफ्टर दैट नो फर्दर रिएक्शन टेक्स प्लेस वैन दिस लिमिटिंग रिएजेंट इज फिनिश्ड. सो दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रिएजेंट बिकॉज इट लिमिट्स द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो आई होप फ्रेंड्स
आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें कुछ आपको कुछ समझ आई होंगी, एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड गिव योर वैल्यूबल सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट. थैंक यू फ्रेंड्स.